जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो जो मैंने पहले अनुपात समानुपात का फर्स्ट वीडियो बनाया था उसी का दूसरा भाग है दोस्तों। उसमें जो आगे के जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं उस पर ये वीडियो है कि दो संख्याओं के मध्य दो अनुपात तीन का अनुपात है, दोनों का गुणनफल 54 यानी 54 है, तो वे संख्याएँ क्या है। तो जो पहली संख्या है दो और दूसरी तीन, आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, जो क्वेश्चन में लिखा है बस वैसा वैसा कर देना। एक छोटी सी चीज़ इसमें ऐड करना है, क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल है ना, तो 2x इंटू 3x, मान लो वो संख्याएँ ये है, उनका अनुपात दे रखा है, उनकी संख्याएँ ये बराबर कितना है 54 दोस्तों। बस जो क्वेश्चन में लिखा है वही करना है, कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर बराबर 54। तो जब x स्क्वायर के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, x स्क्वायर बराबर 54 बटा 6 चला जाएगा नीचे, 6 का इसमें कितनी बार जाएगा, x स्क्वायर बराबर 9। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको रूट में डाल देंगे फिर क्या हो जाएगा 3। तो x की वैल्यू आ गई अपने पास में x बराबर 3। तो हमने जो संख्या मानी थी दो और तीन के पीछे जो x लगाया था, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो दो को तीन से मल्टीप्लाई करोगे कितनी आ जाएगी, पहली संख्या 6 और दूसरी संख्या 9। अब इन दो संख्याओं को आपस में गुणा करने से 54 आ रहे हैं या नहीं आ रहे, बस यही क्वेश्चन में है कि दो संख्याओं को गुणा करने से 54 हो तो वो संख्याएँ क्या है। इनको आप क्वेश्चन ऑप्शन से भी कर सकते हो, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि ऑप्शन से इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो बिल्कुल एक सेकंड में। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ, तीन संख्याओं के मध्य दो अनुपात तीन अनुपात चार का अनुपात है और इनके वर्गों का योग 1044 है। तो कुछ नहीं करना, जैसे मैंने बोला इन तीनों संख्याओं को ले लेना है, 2x 3x, इनको इस रूप में लिख देना, और 4x। अब इनके वर्गों का योग कितना है, वर्गों का योग यानी 2x² 3x² और 4x², इनका योग है, तो क्या करना है, बीच में प्लस का चिन्ह डाल देना, बराबर कितना है 1044 दोस्तों। अब करना क्या, आपको x² कॉमन ले लेना है और इनको जोड़ देना है, दो का कितना हो जाएगा 4 प्लस 9 और 16 और x² है उसको कॉमन ले लेना है, ये x², तो बराबर 1044, इनको जोड़ लो दोस्तों, कितना हो जाएगा 29। अब 29 से इनको डिवाइड कर लीजिए, 29 से इसको डिवाइड कर लीजिए, तो अब इससे 29 से आप डिवाइड करोगे तो इसमें कितनी बार जाएगा, तीन बार 104 में देखो तीन बार जाएगा 87 और बच जाएंगे कितना 17 और 4 174 में कितनी बार चला जाएगा 6 बार, तो दोस्तों 36 आ गया, यानी x की वैल्यू बराबर कितना आ गया 36, x² बराबर, तो x की वैल्यू 6 आ गई। तो बस करना क्या, सीधा सा इस 6 को इनसे गुना कर दो तो संख्या आ जाएगी 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18 और 6 × 4 = 24। इन तीनों संख्याओं को अगर वर्ग करेंगे हम तो कितना आ जाएगा दोस्तों 1044। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत देखेंगे, बहुत ईजी तरीके से बताऊंगा इसको कैसे करना है। दो संख्याओं में दो अनुपात तीन का अनुपात है, यदि प्रत्येक संख्या में तीन जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है, तो बताओ वे संख्या कौन सी है, तो बताओ वे संख्या ज्ञात करनी है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करोगे तो एक सेकंड ही लगेगा, क्योंकि उस संख्या जो भी है ऑप्शन में जो संख्या दी गई है उन पे तीन जोड़ के देख लो, अनुपात अगर ये सेम हो रहा है, जैसे पहले अगर मान लो 2:3 है और अगर ऑप्शन लिखा हुआ है तो उसमें तीन जोड़ के देख लो, फिर उन संख्याओं में अगर तीन जोड़ने के बाद में ये अनुपात आ जाता है 3:4, तो इसका मतलब वो ऑप्शन सही है। लेकिन क्वेश्चन को इसको कैसे करते हैं, देखो इसको इस रूप से लिख लेना, पहली संख्या दूसरी संख्या, नीचे इनका अनुपात क्या हो जा रहा है फिर 3 और 4। करना क्या दोस्तों, इसको इससे मल्टीप्लाई, कितना आएगा 9 और इधर 4 × 2 = 8, सॉरी आपको नहीं दिख रहा है, इधर 9 आ जाएगा इधर 8 आ जाएगा। तो अब क्या करना है इनको दोस्तों, सीधी सी एक ट्रिक बताता हूँ इसमें क्या करना है, ऊपर वाली जो संख्या है इसका इधर ऊपर अंतर कितना है इन दोनों में 4 - 3 और जो नीचे वाली संख्या है इनका अंतर 9 - 8 * आपने कितना जोड़ा था प्लस कितना किया था 3, तो इधर 3 कर दीजिए, इनका अंतर कितना दोस्तों, दोनों का एक एक है तो कट जाएंगे क्योंकि 3 = 1 इधर भी 1 बराबर 3। तो जो वो संख्या क्या है 3 × 2, तो वो संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करके देख लो 6 और 9, यानी 6 और 9 वो संख्या है, अगर इसमें देखो 3 जोड़ेंगे और इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा इधर 9 और इधर देखो जैसे ये संख्या है इसमें इधर 6 और 9 ये हमारे पास संख्या निकल गई, अगर इसमें हम 3 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा ये 9 और ये हो जाएगा 12, तो इनका अनुपात हो जाएगा ना 3:4, तो यही क्वेश्चन बोल रहा है,